सह प्रायोजक है डॉक्टर और धो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा और केश की आयुर्वेदिक तेल दकिंगा हेयर ऑयल। ब्यूरोक्रेसी पर खट्टर सरकार ने कसी नकेल, बिना ज्यादा जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश, अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। कानून मंत्री के बयान पर भड़के हरियाणा के खाप चौधरी, कैबिनेट से बाहर करने की मांग, संसद में गौड़ा ने खाप को बताया था गैर कानूनी। हरियाणा के विधायकों को अब नहीं उठाना पड़ेगा लैपटॉप का बोझ, सभी 90 विधायकों मिलेंगे आईपैड। नीलूखेड़ी में मंत्री कृष्ण कुमार ने अधिकारियों को लगाई लताड़, हाथ जोड़कर एसडीएम ने मांगी माफी, कार्यालय में जड़ा था ताला, कर्मचारी थे नदारद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने पर खुश हुए सीएम खट्टर, पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, 21 जून को मनाया जाएगा योग दिवस। और देश सुरक्षा बल के बर्खास्त जवानों ने की अनिल विज से मुलाकात, एनडीए शासनकाल में हुए थे भर्ती, यूपीए ने किया था बर्खास्त। महज 5 घंटे में गुड़गांव पुलिस ने सुलझाया छात्र के अपहरण का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, क्लासमेट निकला मास्टरमाइंड। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में झमाझम बारिश, किसानों में खुशी, ठंड ने दी दस्तक। जीत के नजदीक पहुंचकर एडिलेड टेस्ट हारा टीम इंडिया, कोहली का शतक गया बेकार, 48 रनों से मिली शिकस्त। नमस्कार, मैं अनुज सिंधु, आपका स्वागत करता हूं साधना न्यूज हरियाणा में। बात करते हैं, खट्टर सरकार ने राज्य के सभी डीसी एसपी और एसडीएम अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने मुख्यालय में ही रहें और बिना इजाजत मुख्यालय नहीं छोड़ें। सरकार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि कोई अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संसद में केंद्रीय कानून मंत्री सदन गौड़ा के खाप पंचायतों को गैर कानून बताए जाने पर खाप चौधरी भड़क गए। खाप ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि वही खाप के प्रधान कुलदीप डाका का कहना है कि इस मामले को लेकर शनिवार को कई खापों के चौधरी जिन में इकट्ठा होकर इस मामले में अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के बर्खास्त जवानों ने मंत्री अनिल विज से मिले और ज्ञापन सौंपा। जवानों ने बताया कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 3,500 जवानों की भर्ती हुई थी, जिसे 2005 में कांग्रेस ने राजनीतिक द्वेष भावना के कारण जवानों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तब से लेकर अब तक ये लोग अपनी नौकरी की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने इनकी समस्याओं को सुलझाने का वादा किया था, इसलिए अब ये लोग मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे। हम सभी एनडीए सरकार में भर्ती हुए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई हम सभी को नौकरी से बाहर कर दिया था सभी को। तब से सभी ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सभी मंत्रियों के अपने दर पे जाके गुहार लगाते हैं कि हमें बहाल किया जाए, लेकिन हमारी भी एक उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी और आते ही हम सबको बहाल करेगी। तो हम अभी बीजेपी सरकार से दरखास्त करते हैं कि जितने भी बर्खास्त कर्मचारी हैं इन सबको बहाल किया जाए। अनिल विज जी मंत्री जी हैं मौके के, और उस टाइम हमारे साथ अर्धनगन होकर पदयात्रा में शामिल हुए थे और हमको आश्वासन दिया था मीडिया के माध्यम से कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आते ही पहली कलम से तुमको रोजगार दिया जाएगा। हम वही मांग करने के लिए आज मंत्री जी के पास आए हैं। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और हम भी इनका साथ दे रहे थे,
अब हमारी सरकार बनी है और पिछली सरकार बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को गुमराह कर गई हुई है, उलझा गई हुई है, लोगों के बहुत सारे केस खराब हुए हुए हैं, उन सारों को हम स्टडी कर रहे हैं और करने के बाद हम इनके फिलहाल ब्रिटेन में थे, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे खबरों की, बने रहिए साधना न्यूज़ पर।